इट्स 4:23 इन द मॉर्निंग एंड मैं अभी तक नहीं सोया हूँ. सो द थिंग इज, आप कितना भी रेस्ट ले लो, देर इज अ वेकअप कॉल राइट फॉर यू. तो मेरे लिए वेकअप कॉल है. हुआ क्या, आई वेंट टू अ रेस्टोरेंट एंड हैड ए चिकन. ओके, वो अभी देखो केरला में हर तरह का चिकन मिल, चिकन मतलब खाने वाला, मतलब हर तरह का चिकन फूड. ओके, लाइक तंदूरी टाइप हो गया, फिर अलग अलग टाइप्स का. कल एक खाया जिसका नाम है चिकन हनी चिकन अल्फा. ओके, अभी उसमें है तंदूरी टाइप है. ओके, और उसका मसाला फुल अरबिक टाइप वाला, वो एक चिकन ऊपर से हनी कोटेड. ट्रस्ट मी, बेस्ट चिकन आइटम आई एवर हैड, बेस्ट. और आई गेस उसमें कैफीन भी था, आई डोंट रिमेम्बर. ओके, आई गेस उसमें कैफीन थोड़ा कड़वापन भी था. जब से वो खाया है, आई गेस आई एट बाय 7:30 or 8, ठीक है, अभी तक मेरे को 1% का भी नींद नहीं आया, 1% का भी. मैं सुबह जल्दी उठा था, आई गेस 8:30 or 9 o'clock को मैं उठा था. एंड नाउ इट्स 4:24 इन द मॉर्निंग, अब तक मैं सोया नहीं हूँ. वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट. अभी पिछले कुछ दिनों से मैं यही आवाज़ सुन रहा हूँ, यही आवाज़ सुन रहा हूँ मैं. तो अभी सीन ऐसा है, मेरे को नींद आ रहा थोड़ा थोड़ा करके. एंड मोर ओवर दैट, इतना शांति और आपको किधर नहीं मिलेगा. बाय गॉड, कोपली में भी इतना शांति है जितना इधर है. बट द थिंग इज, मेरे को इसका थोड़ा डिटेल में बताना है आपको. बट मैं काम करता हूँ, मैं थोड़ा रेस्ट लेता हूँ, फिर मैं आपसे बात करता हूँ, ठीक है? क्योंकि खाली दिमाग शैतान का, तो कुछ भी उपड़ खापड़, गुड मॉर्निंग, तो कुछ भी उपड़ खापड़ में बोल लूँगा. तो इससे अच्छा है मैं एक बार फ्रेशन अप हो, एक बार सो के उठो, फिर आपसे मिलो डायरेक्ट, ठीक है? कुछ आपके होते एक सेकेंड है, मेरे को टाइम है, बट लेट्स सी, अभी मिलते हैं, ठीक है? हेलो, हाय देयर. 1:15 इन द आफ्टरनून, मैं 6 घंटे के बाद उठाऊँ और आते देखो कौन बैठा इधर. ये देखो, ये बनता ओ जाएंगो नहीं. हाँ, किधर किधर, वाह भाई कर रहा योगासन. नाइस, और एक वन मोर. नहीं, ये कुछ और आंसर हो गया. बट एनीवेज, अभी सीन कुछ ऐसा है कि मेरा कंघी जो है गाड़ी में था, क्योंकि यूजुअली कैसा मान लेंगे, अभी सब जो भी सामान है मैं अभी गाड़ी में रखता हूँ. कैसा बोलू, सब सामान जो भी हो. एक सेकंड, मैं अभी इसको अच्छे से एक सेटअप कर लेता. ओके, अभी ठीक है, अभी ठीक है, हाँ सॉर्टेड. ये देखो, अभी ये सब अंदर है मेरा, गाड़ी के अंदर. तो इधर आके मैं सवारता हूँ, बाल मतलब ऊपर भी सवारता हूँ, बट क्या मालूम क्या, मेरा अभी बोलने का आदत है. तो बोलने का आदत होने के कारण कंघी जो है मैं अभी इधर ही रखता हूँ, किधर ना किधर मैं खुद कुछ भी रख देता हूँ. तो सब सॉर्टेड है. एंड राइट नाउ द टाइम इज, देखो मैं फिर से बताता हूँ कितना हो गया टाइम, किधर दिखाएगा, इधर. हाँ देखो, इधर दिखाएगा ये टाइम, ये क्योंकि 1:21 PM. कॉपीराइट नहीं आएगा. तो हाँ, अभी क्या करेगा, अभी सीन ऐसा है ना, बारिश भी अच्छा खासा हो रहा था, बड़ा भी कम हो गया है. एंड उसके बाद सीन कैसा, मैंने एक सेकंड, मेरे को ट्राईपॉड एडजस्ट करने दो यार, ये ट्राईपॉड के बिना ना कुछ मज़ा नहीं आता व्लॉगिंग करने को. अभी देखो, ये तो पूरा ऐसे ड्रिजलिंग ड्रिजलिंग होके रखा है, ये टायर से आपको मालूम पड़ा रहेगा, पूरा एकदम कीचड़ कीचड़ ऐसे हो जाता है, इतना बारिश इधर. तो पॉइंट नहीं बनता है कि गाड़ी धो फिर से लेके जाओ, बट फिर भी इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, आप गाड़ी क्यों धोते हो, गाड़ी गंदा करने के लिए. तो वही पॉइंट से मैं अभी जी रहा हूँ. एंड या ये तो हो गया हमारा काम. क्या चाहिए तेरे को, क्या चाहिए तेरे को, क्या चाहिए तेरे को, इसको पैम्पर करना मुकता है. अभी ये एक है, अभी और एक मेंबर आया हमारे पास, जो कि है ये. हाँ, ये आ गया है मुंबई से, खास केरला में. तो दो गाड़ी MH का केरला में रूल होएगा, और इसका अभी मेरे को क्रैंकिंग अप करना है. तो करते
लेट्स गो। दोनों गाड़ी क्रैंकिंग को डाल दिया गया है, ठंडा पड़ गया था तो गर्म करने के लिए थोड़ा सा चालू करना पड़ता है। अभी देखो अभी भी बारिश ही हो रहा है, नहीं दिख रहा ना, एकदम बारिश आ रहा है, बट इधर नहीं आएगा कि ऊपर सीट लगा है तो फिर इधर बारिश नहीं पड़ेगा मेरे को, तो फिर बाहर जो है उतना पड़ेगा, तो आई एम सेफ हियर। और उसके बाद दोनों हो गया, अभी मेरे को अभी बाहर जाना है, अभी कौन सा लेके जाना है अभी डिसाइड करना है, क्योंकि अभी इसका दिक्कत क्या हुआ नहीं गया, ये आया ट्रांसपोर्टेशन से, ट्रांसपोर्टेशन से आने के बाद इन्होंने ट्रांसपोर्ट वालों ने क्या बोला, क्या मैजिक किया था, उसका हेडलाइट कवरिंग जो है वो निकल के बाहर आ गया, अभी फिटिंग कर रहे हैं, फिटिंग नहीं हो रहा है। और सिंस ये गाड़ी जो है इटालियन ब्रांड का, इटालियन गाड़ी का यही दिक्कत रहता है, डिज़ाइन कितना भी अच्छा रहे लो अगर सर्विस का टाइम आए या फिर कुछ खर्चा पानी का टाइम आता है ना, बहुत जेब फट जाता है, तो कुछ ऐसा हो गया। और जैसे कि वीडियो में देख रहे हो, टेम्पो लेके हम लोग इधर 38 किलोमीटर दूर है सर्विस सेंटर इसका, वेस्पा का, तो वो सब किया, वो टो करके लेके आया, कि बारिश था और बारिश में चलने का मेरे को बिल्कुल मन नहीं था। एंड ऊपर से अभी इसका जो था आई गेस 2 या 3 साल का मेरे पास वेस्पा, फ्रंट साइड में अब तक मैंने नंबर प्लेट नहीं लगाया था क्योंकि उसमें वो फिटिंग था ही नहीं, स्लॉट लगाने का। अभी केरला में आके सब मैंडेटरी हो गया, नंबर प्लेट चाहिए, एज यू नो केरला का रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है, तो हेलमेट चाहिए, नंबर प्लेट चाहिए, फिर मॉडिफिकेशन नहीं चाहिए, तो नंबर प्लेट लगाया हमने, हेलमेट भी ले लिया, हमारे पास था तो वही मुंबई से ले लिया हमने। और उसके बाद वो लेके आए हम लोग, फिर अभी रखा है, कल रात को हम लोग लेके आए, तो सुबह सुबह पूरा दोनों क्रैंकिंग अपो डाला है, अभी इसको मैं पार्किंग में डालने वाला हूँ, क्योंकि रीज़न कुछ नहीं है, बारिश हो रहा है, बहुत गिल्ला हो रहा है तो गाड़ी तो गिल्ला है ना, तो पार्किंग को डालते फिलहाल, तो मैं एक्चुअली अच्छा अगर पार्क किया मालूम क्या, जहाँ कोई मतलब मेरे को मैं गीला भी ना हूँ, गाड़ी भी थोड़ा बहुत गीला है, अभी गाड़ी थोड़ा गीला हो गया, तो अभी निकलते गाड़ी को, फिर देखो पूरा पार्किंग करते गाड़ी को, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं आपको, मैं बहुत बारिश है तो मैं आपको डायरेक्ट मिलता हूँ पार्किंग करके, ठीक है। तो आई सी यू इन 3, 2, 1, सब हो गया, पैरेलल पार्किंग सब कर दिया है, और बारिश देखो अभी भी झनझना झनझना करके है। तो फिर प्लान कुछ ऐसा है, अभी टेम्परेचर तापमान कुछ 28 डिग्री सेल्सियस है, और समय हो गया अभी 1:30, और उसके बाद अभी वहाँ क्या है तो मेरा बाल थोड़ा थोड़ा गिल्ला गिल्ला हो गया, तो अभी इधर का जो हीटर है मैं ऑन किया है, देखो पूरा हाई पे लगाया मैंने, पूरा एकदम ऐसा हेड रहा जैसा मार रहे तो इधर ही, और दोनों में क्रैंकिंग अपो डाल दिया है तो थोड़ा होने दो गर्म। और मेरे को अभी एंटी रिपेलेंट नहीं क्या बोलते उसको, टर्टल वैक्स का रेन रिपेलेंट स्प्रे लेना है, स्प्रे लिक्विड जो भी हो, क्योंकि अभी देखो ये अभी बारिश का सीज़न हो गया ना, अभी आप गौर से नोटिस करोगे ना, मैं वाइपर मारो, ठीक है, देखो कुछ नोटिस किया क्या यार, कैमरा वोंट जस्टिफाई, बट अभी जब पानी मारता हूँ ना तो उसमें वाटर ड्रॉपलेट जो चिपकता रहता है, हर साल होता है, तो उसके लिए मैं जो मारता हूँ वो है टर्टल वैक्स का रेन रिपेलेंट लिक्विड या स्प्रे जो भी हो, मैं लिक्विड वापरता हूँ, और हर गाड़ी को मैं लाइक वो मारता ही हूँ, तो उससे होता क्या है वो चिपकता, पानी जो चिपकता नहीं है, और एकदम ऐसा क्रिस्टल क्लियर हो जाता है आपका ग्लास, तो क्या है रात को फिर दिक्कत नहीं आएगा, लाइक रात को कैसा वाले क्या एकदम तो फॉग हो जाता है, और उसका तो क्या ही करना है, सिंपल है, लो पे रखो, ठीक है, देखो एक सेकंड लो पे रखो, फ्रंट चालू कर दो, ऑटोमेटिक ये मोड पे चला जाएगा, अगर नहीं चला जाता है तो मेक श्योर ये मोड पे चला जाए, और एकदम हाई स्पीड पे कर दो, ठीक है, लो पे कर दो, और पूरा जो है सिस्टम ऑटोमेटिक अपने आप कम हो जाएगा, और
अगर इसका आप डाउट करते हो, इसका भी टेंशन मत लो। ये जो है ना, ये चीज ए पिलर के इधर वाला, ये ऐसे नहीं लगाया है, वो भी काम करता है। तो ये हवा जो है इधर फेंकता है, तो उसके कारण फॉग होता है। तो ये चीज है, मदद करता है जो फॉग वाले पार्ट को हटाने के लिए। आई होप वो क्लियर हो जाए, हुआ रहेगा आपको। और अभी क्या करेंगे, सब हो गया है सब काम, अभी सब ऑफ करेंगे। फिर अभी जा रहा हूँ खाना खाने, क्योंकि माता श्री ने बुलाया है, सुबह सुबह डांट दिया है कितना सोता है करके। मैं बोला मैं कुछ 6 बजे सोया, तो वो भी खुद अभी 1-2 घंटे पहले उठी है। तो वी कैंट डिनाई द फैक्ट दैट वी आर ऑन द सेम प्लेन। चीटिंग करता है तू। तो अभी जाएंगे खाएंगे, फिर देखते क्या करता करके। और उसके बाद बहुत कम है, बहुत कम है आज। काम तो हर रोज रहता है, बट करने का मन नहीं करता है। एग्री विद द फैक्ट? एग्री? कमेंट करना। आई होप यू एंजॉय दैट टाइम लैप्स। आधा घंटा हो गया मैं ये फोन ऐसे रखा टाइम लैप्स पे, ताकि आपको एक अच्छा शॉट मिले, इसी बात पे हो जाएगा लाइक। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी देखो जब से मैं एप्पल खाया, एप्पल खाने के बाद मैं सो गया, क्योंकि बारिश एक नंबर था, एक नंबर चल रहा है। अभी जाके थोड़ा खुल गया। आई शो यू, वेट, ये देखो इधर से कुछ देखेगा नहीं, बट मैं नीचे जाऊंगा अभी, थोड़ा ब्लरी ब्लरी हो गया, नेवर माइंड। मैं नीचे जा रहा हूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ओके अभी गाड़ी दोनों जो है पूरा गिल्ला हो गया है, क्योंकि मैं इसको बाहर रखा था। और ये देखो पूरा ड्रिजलिंग हो गया इसमें, इसमें थोड़ा ड्रिजलिंग हो गया, क्योंकि मैं पार्किंग करने के बाद गाड़ी साफ़ नहीं किया, तो मेरे को भी साफ़ करना है। और मेरे को बाहर जाने का 1/2 घंटे में, तो आधा घंटा तो है हमारे पास, तो सोचा क्यों ना कर लें टाइम मैनेजमेंट। एंड अभी हाँ ये करते फिलहाल। और मेरे को अभी इसका क्लोथ ढूंढना है। मैं अभी इसमें ना गाड़ियों में मैं नॉर्मल क्लोथ यूज़ नहीं करता, आई यूज माइक्रोफाइबर क्लोथ। ये गाड़ी का ये प्रॉब्लम है, ये रिक्वेस्ट सेंसर ना यस काम नहीं करता कभी कभी, तो इसमें नहीं है। तो किधर गया वो माइक्रोफाइबर क्लोथ था रे मेरा एक। तो अभी गाड़ी लाया है, अभी इसको मस्त हो के हम लोग धोएंगे। और बिफोर दैट स्कूटी बुलाते हैं हम लोग फिलहाल। अभी एक एक करके हम लोग धोएंगे, तो उससे क्या होगा क्या, सब दोनों भी धुल जाएगा और शेड में रह जाएगा। इसको तो बाहर लेके जाना ही है, पर इसको तो धोते फिलहाल। तो चाबी गया, अनी लेट्स गो। और ये माइक्रोफाइबर क्लोथ मिल चुका है। एक्चुअली ये कार के डिक्की में था, मैं भी ना कभी कभी उल्लू बन जाता हूँ, तो अभी इसको मस्त होएगी धोएंगे। और उसके बाद क्या है कैसे करके देखते। फिलहाल तो मेरे को टायर धोने का मन कर रहा है, बट नहीं कर सकता, क्योंकि इतना मैं धोया तो एक दिन एक रात तो शेड में रुकना मांगता है। अब ये बाहर जाने वाला, ये ख़राब होने वाला ये, तो देर इज़ नो पॉइंट कि मैं फिर से धोऊँ और फिर से मिट्टी हो जाए। और वैसे मैं सुबह धोया तो फिर से मिट्टी हो गया था। ये देखो एज यू कैन सी, देखो इधर भी अभी भी है, देखो पूरा एकदम ऐसा मिट्टी मिट्टी ऐसा हो गया है, देखो अंदर भी पूरा। सुबह मैं अभी क्या करता हूँ मालूम क्या, बताता हूँ एक सेकंड रुको भाई। तो इधर रहे भी ये जो है ना, ये ब्रश
ये ब्रश से मैं धोता था, पूरा हाथ से मैं धोता हूँ और शेड में रखता हूँ, फिर से गंदा कर देता हूँ। तो उससे अच्छा आज के दिन रह देते हैं, फिर ये सब साफ करते हैं। तो लेट्स गो। तो फाइनली सब काम हो चुका है और मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ। अभी आपको मालूम है मैं अभी जब गाड़ी आया तो मैं बोलता हूँ कि मैं हर रोज़ धोता, हर रोज़ धो। मैं क्यों धोता हूँ? अभी देखो ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ है, जैसे कि आपने मैंने गाड़ी में देखा थोड़ा सी ड्रॉपलेट्स है, बट मेरा गाड़ी बहुत क्लीन है। बट आप क्लोजली देखोगे, मैं एक बार दिखाता हूँ कि डेमो दिखाता हूँ आपको। ओके ये देखो, ये मैं रखा ट्राइपॉड इधर। ओके एंड आई होप द क्वालिटी इज़ प्रिटी गुड। ओके अभी ये देखो, मैं भी इसको ना धो रहा हूँ। कुछ दिख रहा है आपको? एक ब्राउन कलर का, देखो 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 देखो, ये ब्राउन ब्राउन, ये पूरा डस्ट पार्टिकल्स है। ठीक है, थोड़ा ही दाग था बट फिर भी पूरा गाड़ी धोने का इतना दाग निकला, इतना। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि आप हर रोज़ गाड़ी नहीं धोती हो, हफ्ते में एक बार धोते हो, तो कितना डर्ट निकलता है, तो कितना आपको मेहनत करना पड़ेगा। इसीलिए मैं हर रोज़ धोता हूँ गाड़ी, मैं पागल नहीं हूँ ऐसे धोने के लिए। अच्छा लगता है गाड़ी धोने के लिए, बट ये एक अलग रीज़न है धोने का, सो दैट बॉडी पे कुछ ज़्यादा रस्ट नहीं पड़ेगा और ये जो डस्ट पार्टिकल्स बाद में एक्यूमुलेट होके आपको प्रॉब्लम देना चालू करता है। तो इट्स बेटर टू गेट द थिंग्स डन अर्लियर। तो अभी थक गया हूँ और राइट नाउ द टाइम इज़ अराउंड 5:20, 10 मिनट में रेडी होकर मेरे को निकलना है। तो माता जी भी आ रही है तो उनको तो टाइम लगेगा, तो लेट होने वाला ही है। तो मैं फटफट रेडी होता हूँ और मैं आपसे मिलता हूँ। अभी मैं अपने घर के दूसरे साइड में आया हूँ। तो अभी देखो, मैं जैसे कहा था केरला का बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, अभी प्राइवेट प्रॉपर्टी करके तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो इधर का व्यू देखो। ओके सो बेसिकली ये है इधर का व्यू, आई होप आपको पूरा दिख रहा रहेगा, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, एक नंबर शांति है। किधर गया अपना महाराज? किधर गया? महारानी, सॉरी। देखो महारानी भी आई है इधर। इसका अलग ही चलता है। ओके अभी मेरे को नहीं मालूम ये क्या सूंघ रही है, ये मेरे पीछे पीछे आई है। हमारे पहचान के थे तो फिर बात करना तो अनिवार्य है। इधर का ऐसा कल्चर मालूम क्या? मैं आपको सीधे तरीके से बताता हूँ। ओके मुंबई का कल्चर इज़ वेरी फास्ट, कौन आए कौन जाए किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, बट इन केरला इट्स द ऑपोजिट। लाइक इफ फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं शूट कर रहा था, आया पूछा क्या कैसा करेगा, गाड़ी रोका, भाई ने गाड़ी रिवर्स लिया, फिर पूछा क्या कैसा करेगा, 5 मिनट ऐसे ही बातचीत किया, फिर निकला। वैसे क्या बोलते, एक अलग ही टाइप का कल्चर इधर का जो कि बहुत अच्छा है। बट देखो हर एक चीज़ का प्रोज एंड कॉन्स रहता है। इधर का प्रोज ये है, बहुत शांति है, बहुत प्यारा जगह है, हॉलीडे के लिए एक नंबर है। बट कॉन्स ये है, प्रोसेस जो है जो भी चीज़ करने का वो स्लो है। अभी कुछ लोगों के लिए लाइक क्या बोल सकते हैं, हाँ कुछ लोगों के लिए लगेगा कि तू क्या बोल रहा है, लाइक है लाइक मेरे महाराष्ट्र के भी नहीं है, केरला के भी ऑडियंस से देख रहे हैं, तो उनको भी थोड़ा लगेगा क्या कैसा कर गया। बट मेरे अपने एरिया का बोल रहा हूँ, इन जनरल मेरे अपने एरिया का क्या कैसा कर गया। और बहुत शांति है, ये देखो इतना शांति है, तो ये एक थिंग अच्छा लगता है। और देखो भाई साहब को कोई ये नहीं है, हाँ हेलो हाय, उसको बस ये मालिश चाहिए, घर का खाना चाहिए और सोना है भाई को। और ये मेरे से भी ज़्यादा ट्रैवलिंग करने वाला कुत्ता है, ये से मेरे घर पे मैंने सब जगह घूमता है और मैं शी मेक्स मी जेलस, हाँ जेलस।
हाँ मस्त है यार जगह, कभी आओ हवेली में। चलो भाई बहुत हो गया, बहुत देख लिया इसको, अभी फिलहाल घर पे चलते हैं क्योंकि मैं माता श्री को बिना बताए आया हूँ। इधर है ना तो फिर फर्क नहीं पड़ता। तो ब्रो चले, लेट्स गो, चले ना जाएंगो, चले लेट्स गो। ये भाग क्या गई, ये स्कूटी में नहीं चढ़ी, ये कुछ शातिर वाली औरत है, औरत ने वो मैं। अरे शपथ, ये देखो पूरा मिट्टी में गा। ठीक है अभी उतारते उसको, एक सेकंड मेरे को जरा मौका दीजिए, मैं अभी क्या अभी सुधारता हूँ इस प्रॉब्लम को। क्या है ना अभी बारिश हुआ है ना तो फिर मिट्टी पूरा सॉफ्ट हो गया है, तो उसकी वजह से दब रहा है, बट ठीक है चलो अभी हुआ जाएंगे, नहीं सुनेगा अभी पीछे पीछे आएगी। चलो जाते हैं, लेट्स गो गाइस। देखो आ रही है, देखो आ रही है, आ रही है पीछे पीछे, आने दो आने दो। बज रहे 6 बजे, दिख रहा नहीं है ना 6 बजे, और जैसे कि मैंने कहा था कि इनको लेट होगा, लेट हो गया है हाफ एन आवर लेट, बट नेवर माइंड, अभी उनको आने दो, फिलहाल वेट करते क्या कैसा करके। और क्या बोलना था मेरे को, देखो मैं जो बताना चाहता ना वो मैं बोल जाता हूँ, और जो भी बोलता हूँ दिल से बोलता हूँ, तो फिर ऐसा कुछ है ही नहीं कि मैं हाँ ये सब करूँगा वो करूँगा। लाइक कमेंट में ज़रूर बताना कौन कौन नाइट आउल है इधर मेरे जैसा, नाइट आउल मतलब रात को बिना सोए लाइक नींद नहीं आता ज़्यादा, और बस वही टाइम रहता है जिधर आपका दिमाग फट करके एकदम तेज रहता है वो टाइम, कमेंट में ज़रूर बताना। मैं तो वो कैटेगरी में आता हूँ भाई, आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन। हाँ अभी उनका वेट करते फिलहाल, इट्स 601 भाई, एसी ऑन करने दे मेरे को, मे बी ना अभी ये ऑन, ये ऑन, चलो बढ़िया। पुरलेमरा मुत्तप्पन मडपुरा, अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा कि ये क्या लिखा है, इसलिए मैंने ट्रांसलेट करके दिया। बेसिकली उन्होंने मंदिर में आए थे, और राइट नाउ द टाइम इज अराउंड 7:10, मंदिर में आया तो मंदिर में ज़्यादा कुछ अलाउड नहीं है वीडियो शूट करने का, इसलिए मैं कुछ बनाया नहीं था। और अभी हम लोग निकल रहे सीधा घर को, उसके बाद मुझे आपसे एक जरूरी बात डिस्कस करनी है, तो फिलहाल मैं घर पहुँच लूँ फिर मैं आपसे बात करता एकदम विस्तार से, ओके। तो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है किसका, अभी नीट का देखो स्कैम हुआ था, लाइक 67 बच्चों को आउट ऑफ मिल गए, तो उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है तो मैं देख रहा था, और ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था मेरे को बात करने के लिए। और अभी सबको मालूम ही है कि ये चल रहा है करके, अभी आई डोंट नो कि क्या होने वाला है, अभी फिलहाल तो चल रहा है लाइव सेशन। तो अभी देखो मेरे को एक बात कहना था आपसे कि सब लोग अभी स्टोरी पे रिपोस्ट कर रहे हैं कि स्कैम हुआ करके, वो हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, बट अब किसी से भी लाइक कोई अगर बच्चा डालता है, ठीक है, तो अभी हुआ था रील देखा था एक्चुअली, एक बच्चा स्टोरी डालता है ये सेम सिनेरियो पोस्ट पे अपने कि जस्टिस चाहिए बच्चों को, जो कि जो जिसने अच्छे से एग्ज़ाम दिया था और उसका रिजल्ट अच्छे से है, तो आदमी पूछता है उससे कि तूने क्यों डाला, तो बोल रहा है सब लोग डाल रहे तुम्हें भी डाला, इट्स नॉट लाइक क्या बोलो, उसका भी गलती नहीं है, ये सब लोग जो कर रहे हैं वही वो कर रहा है, बट एट द एंड यू शुड नो व्हाट यू आर डूइंग,
इट्स नॉट लाइक हाँ सब लोग डाल रहे तो मैं भी डाल रहा हूँ, उसके पीछे का वजह जानो उसके बाद ही डालो. ओके और ये कहना था कि मेरे को लाइक जो भी आप सोच समझ के करो जो भी कर रहे हो, और ऐसा नहीं कि सब लोग डाल रहे तो हमें डालना चाहिए, इट्स नॉट नेसेसरी. तो ये एक बात कहना था मेरे को. और अभी फिलहाल तो इसका डिक्लेरेशन होएगा आज क्या है कैसे करके, तो वही देख रहा हूँ. सो यस गाइज, दिस वॉज फ्रॉम माई साइड, शॉर्ट एंड सिंपल बनाया है, बट आने वाले दिनों में और कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है. सो उसके पीछे मैं पढ़ा था, और नया शॉर्ट फिल्म भी आने वाला है. सो मेक श्योर यू चेक माई चैनल एज सून एज पॉसिबल, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल ऑल्सो. एंड मोर ओवर दैट यस, ये था इस वीडियो के लिए. आशा करता आपको अच्छा लगा रहेगा, एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वन. अंटिल अनलेस वी मीट, दिस इज जगत जेएसकेवी. कीप रेविंग, कीप वॉचिंग. एल्लावर्क्कुम नमस्कार. माफी फुलूस, माफी मुश्किल. अलविदा.